फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंटेशंस। मेरा नाम अद्वैत है। सो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले डिजिटल फॉरेंसिक्स में। सो अभी जैसे कि आपने पिछले वीडियो में एनटीएफएस देखा, सो एनटीएफएस के मतलब एनटीएफएस के पहले कौन सा फाइल सिस्टम था अपना? फाइल एलोकेशन टेबल। सो फैट सिस्टम में क्या अलग है एनटीएफएस से, तो चलो देखते हैं। सो पहले तो वर्जन देख लेते कि कैसे कैसे वर्जन आए थे। सो पहला फैट का वर्जन था फैट 12, दूसरा था फैट 16 और तीसरा था फैट 32। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? So, जो फैट 12 था ना, वो 2:12 मतलब 2:12 जो भी वैल्यू आएगा उतने क्लस्टर्स को एक टाइम पे हैंडल कर सकता था। मतलब कि अगर आप उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 16 MB के ऊपर वो कर नहीं सकता था। तो जो अपनी पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी बहुत पहले, ये मतलब जनरेशन बहुत पुरानी है फैट 12 की, सो उसमें 16 MB से ज्यादा के क्लस्टर्स मतलब 16 MB के से ज्यादा डिवाइस स्टोरेज को वो हैंडल नहीं कर सकता था। सो ये फैट 12 था। फैट 16 क्या है? 2:16 क्लस्टर्स को वो हैंडल कर सकता है। वो अप्रोक्स आते हैं अपने 65,000 समथिंग क्लस्टर्स। सो फैट 16 ने ज्यादा डिवाइस स्टोरेज दी कि भाई मैं 65,000 क्लस्टर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी जो मतलब फिर आया अपना फैट 32। सो जैसे कि अभी अपन ने विंडोज एनटी देखा था थोड़ी देर पहले, सो विंडोज 95 में फैट 32 यूज होता था। फैट 32 क्या करता था? वो 2:32 करता था, लेकिन उसमें से जो 4 बिट थे ना वो रिजर्व थे, तो वो एक्चुअल में 2:28 ही था, क्योंकि बाकी जो 4 बिट थे ना वो रिजर्व थे। सो फैट 32 कितना कर सकता था? वो मिलियंस में क्लस्टर्स को स्टोर कर सकता था, 268 मिलियन के आसपास, ठीक है। सो उससे क्या होता था कि आपका 2 TB तक के हार्ड डिस्क को आप उससे हैंडल कर सकते हो फैट 32 से। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि ये 2:12 कर सकता है, 2:16 और ये 2:28, बाकी के 4 रिजर्व। इनमें भी थोड़ा थोड़ा रिजर्व होता है, पर इसमें तो सीधा सीधा 4 बिट रिजर्वेशन में लोग ने डाल दिया। सो ये इसके वर्जन हो गए फैट के। सो अब फैट है क्या? सो इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सो अ फाइल एलोकेशन टेबल फैट इज अ टेबल दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ऑन अ हार्ड डिस्क that provides a map of the clusters. Clusters क्या है? Basic unit है अपने that a file has been stored in. मतलब अभी fat क्या करता है? एक उसके पास एक table होता है, मतलब एक समझो एक Excel sheet होती है जिसमें वो सारे clusters का record maintain करता है कि कौन सा cluster में अभी फिलहाल क्या है, ठीक है। So example लेते हैं कि when you write a new file to the hard disk, a file is stored in one or more clusters. ये अपन ने पहले भी discuss किया कि एक अगर फाइल है, सो वो ऐसा नहीं है कि अगर क्लस्टर साइज 4 KB है और फाइल है 16 KB की, तो 4 क्लस्टर्स में स्टोर होगी ना, और 16.1 है तो कितने क्लस्टर्स में स्टोर होगी? 5 क्लस्टर्स में। सो उस हिसाब से, और जरूरी नहीं वो क्लस्टर्स आजू बाजू में हो, वो क्लस्टर्स दूर दूर भी हो सकते हैं, एक कहीं और एक कहीं और। तो अपना OS क्या करता है, इन सबको जमा करके अपने पास लेके आता है उसको बराबर, और एक साथ सिक्वेंस में रखता है अपने साथ। सो जैसे कि अभी टिपिकल क्लस्टर साइज क्या क्या दिया था, 2 बिट 4 बिट या 8 बिट, डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस स्टोरेज कैसा है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर 4 GB का हार्ड ड्राइव है, सो 4 KB का उसमें क्लस्टर साइज डिफॉल्ट होता है, ठीक है। सो फैट क्या करता है कि वो एक उसके पास एक मेंटेन करता है रिकॉर्ड कि कौन सा फाइल कौन से क्लस्टर पे स्टोर्ड है, कितने क्लस्टर्स पे और कौन से क्लस्टर पे स्टोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ फैट एंट्री फॉर द न्यू फाइल दैट रिकॉर्ड्स वेयर ईच क्लस्टर इज लोकेटेड एंड द सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब कि अगर मुझे एक फाइल निकालनी है हार्ड डिस्क में से, तो मुझको किस सीक्वेंस में जाना पड़ेगा कि क्लस्टर 1 के बाद क्लस्टर 100, फिर क्लस्टर 150, फिर क्लस्टर 2, फिर क्लस्टर 8 एंड देन क्लस्टर 10। सो ये जो एक सीक्वेंस है वो उसमें लिखा रहता है कि ऐसे तुझको जाना है। मतलब अभी एक एग्जांपल ले लो कि आपको 5 जगह डिलीवरी करनी है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि पहले तू इधर जाएगा, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ। सो ये सब करने के बाद तेरा जॉब पूरा होगा बराबर। सो आपको उसी सीक्वेंस में जाना है बराबर। सो उसी तरह जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसमें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टोर्ड होता है जिसमें क्लस्टर नंबर होते हैं कि आपको इस क्लस्टर पे जो यहाँ स्टोर्ड है वहाँ जाना है, ये फाइल को उठाना है, असेंबल करना है और यूजर को आउटपुट में दिखाना है बराबर। सो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में सब काम करते हैं। फिर when you read a file, the operating system reassembles the file from clusters and places it as an entire file where you want to read it. मतलब वही मैंने बताया कि उसको सबको लाएगा, reassemble करेगा, एक बनाएगा और RAM में store करेगा ताकि आप देख सको उसको, ठीक है। हार्ड डिस्क में तो scattered था, पर बाद में तो sequential order में लाना पड़ेगा ना उसको, जब अपन इसमें memory में लाएंगे।
रैम में, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ लॉन्ग पीडीएफ, अगर जैसे कि आप एलएमटी नोट्स में देखोगे इसके नोट्स में, सो वो ऐसा नहीं जरूरी कि लाइन से स्टोर्ड होगा वो नोट्स, वो आपके हार्ड डिस्क में बहुत अलग अलग जगह स्टोर्ड होगा, पर आप जिस भी व्यूअर में खोलोगे, जैसे अगर आप पीडीएफ व्यूअर में खोल रहे हो या किसी भी व्यूअर में खोल रहे हो, सो वहां पे क्या हो रहा है, असेंबल किया जा रहा है वो, ठीक है, वहां से मतलब जगह जगह से लेके आके उसके जो फ्रेम्स है या जो भी उसका क्लस्टर्स है उनको लाया, रिसेंबल किया और आपको व्यू दिया, बराबर। तो वो जो लोड होता है ना फाइल चालू होने से पहले, जैसे कोई डॉक्यूमेंट, वो सब इसी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि वो सब रीअसेंबल हो रहा है तभी, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इसके नोटेबल फीचर्स पे कि फैट फाइल सिस्टम का क्या नोटेबल फीचर्स है। सो इट ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस इन लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर फ्लॉपी डिस्क है 16 MB की तो फैट ही अच्छा रहेगा ना उसके लिए, क्योंकि 16 MB तक सपोर्ट कर सकता है, फैट 16 में ही काम हो जाएगा उधर तो, 12 में, फैट 12 में काम हो जाएगा। फिर सेकेंड क्या है, इट मेक्स द डेटा शेयरिंग ईजी एंड कन्वीनियंट। अब फैट क्यों डेटा शेयरिंग ईजी एंड कन्वीनियंट, इसके पास एक टेबल है, वो एक तुमको डेटा रीअसेंबल करके दे देगा ताकि ईजिली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बराबर, तो ये डेटा शेयरिंग को ईजी कर देता है। तीसरा क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ यूजफुल फॉर्मेट फॉर सॉलिड स्टेट मेमोरी कार्ड्स। अब जो अपनी SSDs आती है ना उसमें ये बहुत एक अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें मतलब वो जो उधर कैसा था इंटरफेस में, मास्टर फाइल रिकॉर्ड रखो, फिर जाओ, फिर डायरेक्टरी में भी देखो, ये भी करो वो भी करो, इसमें से क्या सिर्फ एक फैट टेबल है तुम्हारे पास, उसको बार बार रेफर करना और काम खत्म करना है। सो SSDs क्या प्रोवाइड करती है, सबसे उसका मेन एडवांटेज क्या है कि वो स्पीड प्रोवाइड करती है, तो अगर फैट तुम उसमें यूज कर रहे हो सो तुमको वो और फॉस्टर करेगा उसका परफॉर्मेंस, और अच्छा करेगा उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे जो कि इसका है डायग्राम। सो फैट वर्किंग अगर हम देखें तो कैसा हो रहा है कि ये बूट सेक्टर और रूट डायरेक्टर के बीच में एक फैट टेबल स्टोर्ड रहता है, तो किन दोनों के बीच में सैंडविच है, दो ब्रेड है उसके बीच में एक ये है अपना चीज़ का स्लाइस है, चीज़ का स्लाइस कौन है, अपना फैट है, फैट होता है ना चीज़ के स्लाइस में, वाह क्या एग्जाम्पल दिया मैंने। तो जो दो ब्रेड का स्लाइस है वो कौन से ब्रेड का स्लाइस है, एक बूट सेक्टर है और एक रूट डायरेक्टरी, ठीक है। सो फैट से आप डायरेक्टरी जो है वो क्या रिफर करेगी, पहले फैट टेबल रिफर करेगी, उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ भाई ये फाइल है, समझो फाइल ए है, वो ए किस पे क्लस्टर पे स्टोर्ड है, वो उसको उसको इन्फॉर्मेशन मिला सीक्वेंस का, तो वो क्या करेगा, पहले वाले सीक्वेंस पे जाएगा, पहले वाले क्लस्टर पे, फिर जो नेक्स्ट क्लस्टर होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब ये सीक्वेंशियली यहाँ बना है, पर ऐसा नहीं, ये क्लस्टर 100, 150, 200 भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर लास्ट क्लस्टर में जहाँ पे एंड ऑफ फाइल स्टोर्ड होगा, वो जब इसको मिलेगा डायरेक्टरी को, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे फाइल खत्म हो जाता है। तो ये जो तीन क्लस्टर, चार क्लस्टर से जो उसने फाइल जमा की, इसको फिर वो रीअसेंबल करेगा, कौन रीअसेंबल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको फिर यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो रहा है, डायरेक्टरी जा रहा है किसके पास, फैट टेबल के पास, उससे सीक्वेंस ला रहा है, उस सीक्वेंस को फॉलो करके एंड ऑफ फाइल मिलने तक क्लस्टर्स को वो लूप में चलता रहेगा, सारे क्लस्टर से डेटा लेगा और फिर उस डेटा को असेंबल करके एक फाइल की तरह सबमिट करेगा। सो इन क्लस्टर्स को आप आपके असाइनमेंट समझ लो, तो सारे असाइनमेंट जमा करके जब लास्ट में आप सबमिशन फाइल बनाते हो और फिर एंड ऑफ फाइल हो जाता है, तो वो पूरा आपका फाइल रेडी हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। Thank you.